पंचो 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 खा तो फायदा ऐसे ये देखो ये मारी हाँ कलर देखे कितना जबरदस्त है इसका। हाँ सही बात लेके आई है उनको पता है मुझे हांडिया पसंद है। ब्यूटीफुल डिश थैंक यू बड़ी नाइस है। मैं भी किड्डी भूखी हूँ फायदा मुझे खोल के दिखाती मैं खुद ही खोल के दिखाती स्पेशल इनके लिए खाना बना है सबके लिए। पीछे खावांगी ये इधर भी पड़ी हुई बड़ी अच्छी लग रही है ना। कपड़े नहीं ये पता क्या ये मेरी शर्ट तो नहीं थी बन रही। तैयारी हो रही है बैंगणा नूं इस तरह कट शट मार के अग दे उत्ते साड़ बाल लेना है। मर्चा भी सिलाई च परो के वह भी रख देनिया ने सब कुछ को जब इस तरह सड़ बल जाए तो आपने इस तरह से उसकी छिलने उतार के उसको इस तरह से मैश कर लेना है। भरथा बनाना भी आसान है। उस तो बाद चूल्हे का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने इसको डाला एक भांडे में उसके ऊपर उलता उबलता खोलता हुआ पानी सूट के एक डिशवॉशर की इसमें सूटी टाफी और उसको रख दिया। बाद में चूल्हा साफ करके चमकाया। अब मैं क्या हूँ खाना पकानी है। इतने बनती पी जी बिरयानी तीन वे वे प्याज लेके उनको इस तरह से मैंने तड़फा लेना। इसमें से मैंने फिर अधे प्याज जो है ना वो इस तरह से निकाल लेना है। मैंने कहा बुरे वक्त में काम आएंगे हलीम के ऊपर डाल लूँगी इनको। तो बस फिर जिंजर गार्लिक डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से तड़फा लेना पूनना। सबसे पहले इसमें मैंने डालनी है मुर्गी की टांगें उनको मैंने चंगी तरह पून लेना है। उसके बाद मैंने दूसरी चिकन डाली है। पूरा मीट डाला है बिरयानी में। इसमें मैंने चार कप चावलों के लिए थे और इतना सारा मैं इसमें डाल रही हूँ मीट। तो ए जे बॉम्बे बिरयानी मसाला दो चमचे सूखा धनिया जीरा हल्दी और लाल मिर्चा और नमक बस यही मसाला है। आप अपने हसबे मनशा जिनिया मिर्चा कट वी पानिया उन्निया पा लियो। बस इसको भुनने इतना भुनने के मसालों का रंग इसके ऊपर चढ़ जाए। जब वो चढ़ जाए तो इसके ऊपर दही डोल दें ताकि आपस में इनके मजाकरात अच्छे हों इनका सलूक इतफाक हो। तो बस फिर दही जब डाला तो टकना दे दें ताकि थोड़ा सा ना रंग सोना निकला है। जब वो भी निकला है तो हमने आलू सूट दिए इसके ऊपर। आलुओं को फिर आप अच्छी तरह से भून के इसके ऊपर दोबारा ढकना लगा के इसको कर दें पासे पे ताकि ये जो है ना हल्की आग पे आप ही पकदा रहे। मैं क्या मैं फटाफट बैंगना का परथा बना लवा और इसको जो है ना प्याज डाल के हमने कर लेना है ब्राउन। फिर हमने इसके ऊपर डाल लेना है टिन टमाटर और हमने फिर इसमें इस तरह से इसको कमा फरा के नमक मिर्च हल्दी और सब मसाले डाल के इसको हमने भून के और परथा इसके ऊपर डाल लेना है जो हमने बनाया था ना छिल छुल के फेप हो के वो इसके ऊपर देखें इस तरह से डाला। हाँ ये मैं तो तुम दसना भुल गई अज तो आना से मेरिया सहेलियाँ ने उन्होंने आना है और ये सब तैयारी हो रही है उनके लिए। मैं कहती हूँ अच्छे दोस्त किसी नेमत से कम नहीं होते। ये वो दोस्त हैं जब मैं इंग्लैंड में आई थी और मेरे सबसे पहले ये दोस्त बने थे। आज आई हैं हिना जी मेरी फ्रेंड्स भी आ रही हैं तो मैंने कहा था चले थोड़ा सा मैंने एक्चुअली पका ली हलीम तो मैं क्या मैं सारे बुला लवा पर जेडले फिर मैं हलीम पकाई फिर मैं क्या शायद थोड़ी है फिर मैं दो तीन होर चीजा बना लिया। फिर मैं सुबह उठ के ना हिना नू फोन किया दो लोगों और फोन किया तुसी भी आ जाओ तो आज फ्रेंड्स आ रही हैं तो यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाई बनाने लगी हूँ। बैंगन का भरता बना है और शलजम गोश्त तो हलीम तो है ही सैलड हिना बना रही है इधर तो चटनी का साढ़े को टाइम को नहीं तो बस ये होगा तो मैं डाल दें पुदीने के भी पत्ते थोड़ी सौंफ थोड़ा जीरा ऑयल लेमन जूस इधर पुदीना है कि नहीं नहीं पुदीना हो जे पुदीना हो या पुदीना तो लो ना धनिया मैं धोता सी इधर धुप जाएगा आप ही हाय हाय वॉश करें इत्थे जी चावलों नू उबालन की तैयारी हो रही है ताकि असी लाना है उन्हों दम किनू बिरयानी नू। और हिना जी भी आ गई थी बड़ा ही अच्छा लगा। मैं कहती हूँ परदेस च ना इस तरह जिहड़े दिन तुहाडे घर कोई आए ना वेखो हिना ने बनाया सलाद किड्डा वधिया बड़ी उस दिन रौनक लगती है बड़ा ही चंगा लगता है और बड़ा ही दिल खुश हुंदा है। तो बस जी मैं फिर ना ए प्याज ब्राउन किए सन टमाटरों के नाल थोड़े जे प्याज बहुते ब्राउन हो गए फिर मैं ए मसाला रख दिता है मैं नहीं यूज़ किया उही मसाला जिहड़ा ना खाली प्याज टमाटर ब्राउन किए मैं थोड़ा जहा ये पा दिता बिरयानी वाले मसाले च क्योंकि मैं ये
टमाटर ऐड नहीं सन किते और बहुत ही जबरदस्त फिर यह मसाला बनया। तो चलो अज दोस्त आ रहे हैं तो उन्होंने हवाले नाल ही गल हो जाए। मेरे हिसाब से दोस्त खानदानी होना चाहिए, दोस्त ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता चले तुहाडा दोस्त है तो तुहाडी इज्जत में भी चार चांद लग जाए। इहो जिहा दोस्त होना चाहिए जिहड़ा तुहानूं ऐसा मशवरा दे कि तुहाडे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, जिहड़ा तुहानूं बुरी चीज़ तो रोके, जिहड़ा तुहानूं समझाए। तो मेरे यह दोस्त अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल उस तरह के ही ने। मैं बहुत कुछ सीखा इन्ह को जिंदगी। और वो दोस्त जो अच्छे बुरे टाइम में आपके साथ हों, जिन्हां नाल तुसीं हर गल कर सको, कि गल तुसीं अपने भैणां भावां नाल भी कर लो पर तुहानूं चैन ना आए जिन्नी देर तक उन्हां नाल भी ना तुहाडी गल हो जाए, ऐसे प्यारे दोस्त होते हैं। अल्लाह का शुक्र है यह भी चीज़ ज़िंदगी च एक कमाई है, अच्छे दोस्त। और यहाँ पे देखें ये फायज़ा और नहीद ये मेरे लिए लेके आई थी प्रेजेंट, आप भी देखें। ठंडी तो वैसी है जैसी मैं ये देखें जी आई हैं, उनको पता है मुझे हांडियाँ पसंद है। ये देखें वाह वेरी जबरदस्त ब्यूटीफुल डिश, देखें कितनी खूबसूरत है। थैंक यू, बड़ी नाइस है। चलो मेरी फायदा के लिए। अच्छा फायदा क्या लेके आई है, फायदा का भी देख ले भाई। कोई नहीं देखो मैं भी किड्डी भुखी हूँ, फायदा मुझे खोल के दिखाती, मैं खुद ही खोल के दिखाती। वेरी नाइस, ये बड़ी नाइस है। ये देखें ये भी बड़ी प्यारी डिश है, थोड़ा ऐसे करो। ये चलो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एक ये है, एक है। देखें कितनी नाइस डिशेज है, ना भी लाते तो कोई बात नहीं थी पर वेरी नाइस, ऐसी मुझे अच्छी लगती है। मैं तो फायदा इनमें भी सर्व कर देती हूँ। मामा कह रही थी आपको पसंद के लिए है, नहीं नहीं ये अच्छा ये वाली, अच्छा अच्छा चल सैलड वगैरह के भी ये भी कर सकते हो ना। हाँ और इसको भी रख दे। इसने जो मुझे दिया था ना इतना प्यारा बोल, वो टूट गया, वो कल टूट गया बाजी से, मुझसे टूट गया। कोई नहीं मैं उनको शोर विखांगी फिर। इस कुछ नहीं बचना। हाँ इसके ऊपर तो टाइल्स के ऊपर तो जो गिरा वो टूट जाना है। और मुझे इतना मैं स्पेशल जो था ना बाजी को, मेरा मेरे पास ग्लास का किसी का आया था ना तो बड़ा बाजी को पसंद था कि ना इसके अंदर भल्ले अच्छे बनेंगे, तो वो मैं उस दिन गई तो मुझे वो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ये इनके मतलब क्या है, तो वो उधर जिस दिन का देख के वहीं पर पड़ा था, कल गिर गया। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਪਰਥਾ ਗਰਮ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮ ਨਾ ਇਨਮੇ ਹਾਂਡੀ ਇਨਮੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ, ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਟਾਇਲਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ पाकिस्तान के घर को लुक आती है वहाँ पे। हाँ ये देखें जी, तौसीफ ने दिया था मुझे ये रनर जीवा, मैं पाकिस्तान गई थी उनके घर, तो हम इसके ऊपर जो है आज ऐसे ही खाना सर्व कर। निहारी ना थोड़े से कट के प्याज, निहारी हाय हाय की है कोई निहारी बोल रही हूं तो मैं निहारी मेनू ही नहीं बोलना आंदा की कहना है इसको ही निहारी बोल रही। हलीम की रेसिपी इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में दे दूंगी। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, पता ही चल तो बैठे हो तो आराम से। चलो उसी ने वादा किया इसको, वैसे अब मैं वहां रख देती हूँ पर जिन्होंने ना सही लगया वो एदे च पा ले, दम पता नहीं कैसे। तो जी यहाँ पे हमारा शलजम गोश्त हो गया रेडी, उसको मैं निकालूंगी जितना। ये देखें शलजम गोश्त, अभी इस पे धनिया डालती हूँ।
much. शलजम गोश्त। चलें भाई आ जाएं। पहुंचो पहुंचो पहुंचो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चम्मच चम्मच रखिए चम्मच चम्मच रखो। इधर से फायदा ले लो। ये देखिए ये हमारे नान शलजम गोश्त नान हो रहे हैं। भरता और सलाद बस नान मिला दे नहीं बड़े और ये निहारी पर हलीम इतना जबरदस्त है इसका। चलो सबके लिए को फिर पीछे हट के मैं ही खावांगी। चलो पीछे हटो नहीं तुसी कहो पीछे हट जाओ मैं ही खावांगी। मैं तो ना एदे विचों लवांगी चावल ए बहुत गरम है ये जो कम मसाले वाले हैं ना वो ये हैं ये देखिए जी ये देखिए बिल्कुल बोन है नहीं ये नहीं जाती है ये देखिए चावल इतने अच्छे थोड़ी सी डालेंगे हम हलीम जो मैं निहारी कह के सत्या ना छड़ छड़या जड़ा ओदी हालत निहारी वाली इतना ही बड़ा सैलेड नहीं लेना नहीं नहीं चटनी भी नहीं मेनू सैलेड की जरूरत नहीं तू खा सैलेड एवे जी स्टिकी टॉफी पुडिंग ए ओवन च बनती और बहुत ही मज़ेदार है ये डिजर्ट ए मैं लिया कॉस्टको तो इनू ओवन च रख दिता तो बहुत ही सोहनी बनी फिर मैं लिया मैं क्या चलो हूँ बच्चों ने पहला अटैक किया चलो चलो जी ओके जी अल्लाह अल्लाह हाफिज़ यानी देखो कौन है बाहर अच्छा अच्छा यार मत पूछो आप सुबह से भाग दौड़ अच्छा माशाल्लाह नीचे वाले में कुछ था ये देखें जी नए मग्स निकाले मेरी फ्रेंड्स आई मैंने कहा हम नए मग्स निकाल के इसमें चाय बनाते हैं ये बड़ा ही खूबसूरत है ये स्टाइल ये देखिए ये देखें ये कितना प्यारा है ये वाला देखो पहले धोने थे हाँ पहले धोने देख हाँ इसमें मजा आता नहीं नहीं चीजें खोलने की तो अच्छा ये भी पर कुछ है हाँ देखिए जी फायजा मग धो रही है इसमें चाय बनाएंगे हम अभी इंग्लिश टी कितनी आसान है बनानी है ना उबले पानी से काम चल जाता है देखें नए निकालने हैं आपके लिए आज इधर आई मैं आपको ड्रॉ दिखाऊं अपना तैबा ये देखें मैंने स्पाइसेस इधर रखे हुए हैं ऐसे अच्छा इसमें छोटे भी हैं हाँ ये भी ये वाली मैं आपको कह रही थी ना कि मैं ये वाले बर्तन उधर शिफ्ट कर दूं ये वाले क्योंकि ये सर्विंग डिश था मैंने अपनी सारी सर्विंग डिशेस उस साइड पर ये देखो ये तो खैर अब हो गया तो आप प्लेट्स कहाँ रखोगे प्लेट्स ये देखो ये और नहीं ये तो यहाँ वाले हैं ये तो यही क्या हाँ ये वाली बड़ी जबरदस्त प्लेट्स हैं ये देखो ब्यूटीफुल
ये देखो That's lovely. And only 8 pounds. 8 pounds की. Wow. हाँ. जितनी थी ना 4-5 वो मैंने ले ली. वो खोले. मुझे तो मैं पागल हो गई हूँ आपकी ये वाली कलेक्शन. अच्छा. ब्यूटीफुल. वाली मैंने ली थी टीके मैक्सिमो वाली. क्या मैंने टर्किश प्लेटर बनाया था इसमें बड़ा जबरदस्त है. नीचे काले वाले. हाँ नीचे वो ब्लैक है. नीचे वो इसमें क्या डालती है ये बस जब आपने प्लेटर बनाना है फूड बनाना है वो आपने ऐसे सर्व करना है. हाँ वो चपलो ये देखो ये है ना. चार ये छोटी है इससे बड़ी इससे बड़ी इससे बड़ी 5 है. ये हम दिखा रहे हैं अपनी क्रॉकरी. अभी हम कपड़े भी दिखाएंगे जो हमने नए कपड़े लिए. अभी हम ऊपर जाएंगे तो जब हम फ्रेंड्स मिलती है ना तो हम यही कुछ करते हैं. हमारी एंटरटेनमेंट यही होती है. अच्छा खाना कपड़े या गल्ला जुत्तियां या गल्ला हमारी एंटरटेनमेंट ही यही है. और हम अपनी दोस्तों का भी खुशियां उतनी एंजॉय करते हैं जितनी अपनी करते हैं. आधी तो उसी से मिल जाती है दोस्तों की एंजॉय करके. हाँ ये देखें जी ये थे ना. ये देखो ये मारिया. हाँ ये मारिया भी के ये लिनन के ना. अभी जब हाँ ये नहीं पता है पर मैं ये ऐसी नहीं थी ब्लैक है ना ये मैंने देखा है लेकिन इन पर मतलब पर्सनल मार्केट से ये तो पहले का ही नहीं ये पता क्या ये मेरी शर्ट तो नहीं थी बन रही. ये उसने एक्स्ट्रा लगा के उसने बड़ा किया इसको. एक ये देखो ये मेरा पहले का था वहाँ पड़ा. ब्लैक मुझे भी इसको पर्पल ये कलर लाइट है. इधर ऊपर इतनी लाइट है बस तो ये दोनों पसंद आ गए थे डिफरेंट कलर्स में तो ये फिर दोनों ले. ये धो लिया के लिए है. देखिए कितना खूबसूरत है. मुझे अच्छा ये देखें जी जा रहे हैं सब एंजॉय करके. डे फिनिश. डे फिनिश. हाँ.